वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जनरल हिंदी जो कि NVS के एग्ज़ाम में, TGT के एग्ज़ाम में जो 3 अक्टूबर को कंडक्ट कराया गया था, उनके क्वेश्चंस और आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसमें 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये जो पार्ट था जनरल हिंदी का, इसमें भी 5 नंबर आपको लाने थे, और यदि आप 5 नंबर नहीं स्कोर कर पाते हैं तो आपका जो रिमेनिंग पार्ट यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 उसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। तो यह एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यदि आप को एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर यानी KVS में अपीयर होना है या DSSSB में अपीयर होना है, तो आपको यहाँ से क्लियर एक तरीके से पिक्चर मिल जाएगा कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं और क्या क्या कंटेंट पूछे जा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के माध्यम से आप गेन कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लास्ट में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें सो दैट मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन में और भी हेल्प होती रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल हिंदी का, जिसमें से 15 क्वेश्चन थे, 15 में से 5 मार्क्स मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको लाने थे। तो पहला क्वेश्चन था अपनापन में प्रत्यय क्या है, यानी कि प्रत्यय से एक क्वेश्चन था, प्रत्यय उपसर्ग से एक क्वेश्चन जरूर होते हैं। तो जिसमें अपनापन में यानी प्रत्यय जो लास्ट में 2 वर्ड होते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सफिक्स, इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं, और उपसर्ग को बोलते हैं प्रीफिक्स। तो इसमें सफिक्स पूछा था क्या है, यानी सफिक्स मतलब जो लास्ट में ऐड होते हैं, तो पन क्या है, ये प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ड का अर्थ नहीं होता है, यानी वर्ड का अर्थ होता है रंग होता है, एक अक्षर भी होता है, जाति भी होती है, बट भाषा कोई वर्ड होता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शब्द जो तद्भव नहीं है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो है तद्भव तत्सम से भी आता है, तो इसमें पूछा है तद्भव नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लोचन। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ग्रीन से टिक किया गया है, फ्रेंड्स आप इजीली इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी लोचन जो है तद्भव नहीं है, बाकी जो लाज है, लकड़ी है, लोहा है, ये सब क्या है, तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसमें तत्पुरुष समास नहीं है। तत्पुरुष समास से क्वेश्चन आया हुआ है, यानी समास से भी एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन यानी कि यथाशीघ्र में तत्पुरुष समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, तनाव में स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सभी में देखिए ताकत स्त्रीलिंग हो सकता है, दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तारीफ हम दोनों की कर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तबीयत में भी हम दोनों का तबीयत बता सकते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसका तबीयत ख़राब है, इस तरीके से दोनों में स्त्रीलिंग है, बट तनाव में कोई स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है, तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से अघोष वर्ड कौन सा है। अघोष वर्ड पूछा है, तो इसमें जो ऑप्शन है घ, ग, ज और ख, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है, ख, अघोष वर्ड जो है ख है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, पानी बरसता है किस प्रकार का वाक्य। तो सिंपल वाक्य, सिंपल सेंटेंस है, पानी बरसता है, संयुक्त वाक्य नहीं है, उपवाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य नहीं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, उसका स्वर बहुत मीठा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज कौन सा शब्द नहीं है, मतलब जो देहाती शब्द होते हैं उसे कहते हैं देशज शब्द, बट कौन सा ऐसा शब्द जो है देशज नहीं है। देखो खिचड़ी देहाती वर्ड यानी देशज शब्द है, पगड़ी भी है, कटोरा भी है, बट कैंची जो है ये देशज शब्द नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, चिरंतन का विलोम शब्द नहीं है। चिरंतन का विलोम शब्द है, यानी चिरंतन मतलब क्या होता है, जो चिरंजीवी भव है, बोलते हैं ना कि मतलब अमर रहे, तो इसका जो विलोम शब्द है नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मन की शुद्धता वास्तविक शुद्धता है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मनचंगा तो कटौती में गंगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा भी अगर हिंदी पढ़े हुए हैं 10th लेवल तक का भी, तो आप 15 में से ईजिली जो है 8-10 नंबर आराम से स्कोर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th, निम्न में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो इसमें क्या है प्रशंसा, प्रशंसा को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं प्रशंसा, बट इसमें क्या दिया हुआ है छोटा सा जो है बीच में दिया हुआ जो कि गलत है, तो ये है प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाचाल के लिए अनेक शब्दों वाला सही विकल्प है, वाचाल क्या होता है, यानी जो व्यर्थ की और बहुत बातें करता है उसे वाचाल बोलते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4th। तो क्वेश्चन नंबर 14th है मानव पढ़ता होगा वाक्य का काल क्या है, बहुत ही ईजी है, मानव पढ़ता होगा, होगा क्या है संदिग्ध वर्तमान है, यानी कि पढ़ता होगा यानी कि संदिग्ध है, इसमें क्या है सस्पेंस बना हुआ है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे संदिग्ध वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरता में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय फिर से अगेन क्वेश्चन यानी सफिक्स पूछ रहा है, तो सफिक्स में जो लास्ट का वर्ड होता है उसे बोलते हैं वीर प्लस ता, ता क्या है प्रत्यय है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स ऐसे ये रहा 15 क्वेश्चन जनरल हिंदी के, इसी तरीके से मैं इंग्लिश का भी क्वेश्चन आप लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप लोगों को एक तरीके से एक आइडिया लग जाए कि जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस पैटर्न्स क्या पूछे जा रहे हैं, इससे आप लोगों को ईजिली पता चल जाएगा, जिससे आप अगले एग्ज़ाम में अपने परफॉर्मेंस को और भी अच्छा बना पाएंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार लाइक करना ना भूलें, बिकॉज आपकी एक लाइक से ही मुझे इंट्रेंसिक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपना जो वीडियोस है इसको और भी अच्छे से तरीके से अपडेट कर सकूं, अपग्रेड कर सकूं, और आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे और भी अग्रसर करेगा आप लोगों के तैयारी के लिए, अग्रसर बनाने के लिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के वेट करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।